लोकसभा चुनाव के महाकुंभ के अंदर सभी पार्टियां अपने गोते लगाने को तैयार हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो हमारे बीच में उपेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो प्रदेश में सचिव के पद पे भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव का देखते हुए क्या नजर आता है आप लोगों। पहले तो मैं भारत टीवी से आए हुए अपने भाई को अपने घर पर आए हुए इसके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024? देखो, लोकसभा 2024 हम बहन जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे और जो भी बहन जी का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। तैयारी मांग उत्तर पूर्वी लोकसभा से ही है सांसद मनोज तिवारी के सामने? नहीं नहीं, ये तो बहन जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। यदि बहन जी का आदेश होगा तो ना बोलेंगे। बीएसपी की बात करें तो जैसे अन्य पार्टी सब गठबंधन कर लिया तो बीएसपी ने क्यों नहीं गठबंधन किया? बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है जी। ना के प्रत्याशियों के दम पे बल्कि वोट बैंक के दम पे है। पार्टी का पूरे भारत में इतना परसेंट वोट बैंक है जिसकी वजह से हम तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। इसलिए बहन जी गठबंधन में नहीं गई। गठबंधन में जाने के बाद हमें हमेशा नुकसान हुआ है, तो इसलिए पूरे भारत में बीएसपी अपने दम पे चल रही है। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है लेकिन दिल्ली जैसे राज्य के अंदर अपने आप को क्यों नहीं स्थापित कर पाई अब तक बहुजन समाज पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे कल की आई हुई आम आदमी पार्टी वो स्थापित हो गई, बहुजन समाज पार्टी सालों हो गए। ऐसा नहीं जी, 12 साल में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी जी। उसके बाद यदि कोई पार्टी तेजी के साथ यदि राष्ट्रीय लेवल की हुई है तो वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जितना आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कराया उतना बीएसपी ने नहीं कराया है। आप इतिहास उठा के देखोगे और बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को भागीदारी दी गई है और सर्व समाज का विकास हुआ है। आप चाहे नोएडा देख लो या लखनऊ देख लो, कहीं भी देखो तो आपने बहन जी ने कॉलेज भी और सबसे पहला एक्सप्रेस वे बहन जी के नेतृत्व में ही बना था, जिसे आज और पार्टियां कॉपी करके बना रही है। तो ऐसा नहीं, ये तो एक मूवमेंट, पार्टी का एक मूवमेंट है तो अप डाउन तो चला ही रहता है। उपेंद्र जी, क्या सभी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार? नहीं नहीं, दिल्ली में 7 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। क्या उम्मीद करी जाए 7 सीटों पे? 7 सीटों में से जो रिजल्ट आएगा, जो जनता रिजल्ट भेजेगी उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। बाकी तो सभी जीत के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और चाहे हमारी खुद बहुजन समाज पार्टी हो। बाकी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, संगठन कहाँ है आप लोगों का? हमारे पास संगठन है जी, क्यों नहीं है? क्या संगठन? संगठन में जब दिल्ली प्रदेश में एक ब्राह्मण को सचिव बनाया गया और भागीदारी दी गई है तो आप आज बूथ स्तर देखे, ब्लॉक स्तर देखे, मंडल स्तर देखे, पन्ना प्रमुख, ऐसा नहीं है जी। लगातार चुनाव लड़वाते कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता लगातार 2 महीने से पार्टी अपने मूवमेंट पे काम कर रही है। जगह जगह 2 महीने अभी फिलहाल जो बहन जी का दिशा निर्देश हुआ है तो लगातार है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी 2 महीने से लगातार कैडर कर रही है और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है। उपेंद्र जी, सांसद मनोज तिवारी जी के सामने अगर आप लोग उतरते हैं तो क्या माना जाए? देखो जी, यदि हम चुनाव लड़ते हैं या बहन जी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो हमारा किसी के साथ कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि इस सीट के ऊपर सर्व समाज हमारे साथ जाएगी और खुद पार्टी के नेतृत्व में और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये जो मोदी सरकार कह रही है आपकी पार 400 पार, ये सब क्या है? देखो जी, ये तो आने वाला रिजल्ट बता देगा कि 400 पार या जो भी कुछ आएगा वो सब आपके सामने आएगा और मीडिया को ज्यादा पता रहती है। तो ऐसा नहीं है कि 400 पार है, वो जो कह रहे हैं वो उनका अपना कहना है। लेकिन जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने को तैयार? बिल्कुल, दिल्ली की जनता बिल्कुल जाएगी जी और सभी लोकसभा में जाएगी। और इस लोकसभा में सभी ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, जाटव सभी पार्टी के साथ हैं और पार्टी इस लोकसभा पे नहीं, पूरी दिल्ली में नहीं पूरे भारत में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और इस लोकसभा पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 4-4 लोग टिकट मांग रहे हैं। यदि पार्टी मजबूती के साथ न खड़ी होती तो इस लोकसभा से 4-4 प्रत्याशी टिकट नहीं मांग रहे होते। मैं आपको उपेंद्र जी बात करें मुद्दों की, तो किन मुद्दों के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है? देखो, मुद्दों की बात तो मैं आपको बताऊं, बहन जी की जब सबसे पहले सरकार आई थी तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी बहन जी ने 6-6 बीघे के पट्टे दिए। और जो कांग्रेस सरकार में
जो नसबंदी के पट्टे दिए गए थे और जिनमें कब्जे भी नहीं थे उनको भी बहन जी ने कब्जे दिलवाए और पुनः नए पट्टे सभी समाज को, खाली एक समाज को नहीं सभी समाजों को दिए, जिनके पास भूमि नहीं थी सबको भूमि अवगत कराई गई। और उसके बाद आप देखोगे तो कॉलेजें बनाई गई, नोएडा में आप देख लो या नोएडा में देख लो, नोएडा में एक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यूपी के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का तो विकास करा, लेकिन लोनी फिर भी धूल ही धूल। नहीं ऐसा नहीं है जी, विकास तो सभी जगह हुआ था। और बीएसपी ने क्यों लोनी को नकारा? अब तो देखो, नहीं ऐसा नहीं है कि जी, अब तो बहन जी जब थी तो लोनी में भी एक तरफ दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से सटा हुआ लोनी, क्या बुरा हाल? ऐसा नहीं है, बहन जी ने लोनी में भी विकास करा था, लेकिन अब तो हम लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, तो इसका जवाब नहीं। प्लानिंग के तहत तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा से में विकास हुआ ना? नहीं नहीं, नोएडा तो ये था कि भी नोएडा तेजी से डेवलप हुआ और क्या है, नोएडा थोड़ा इंडस्ट्रीज और वो था तो इसलिए तेजी से डेवलप हुआ था। तो ऐसा नहीं कि नोएडा में बागपत बड़ौत में विकास नहीं करा, सभी जगह विकास करा। और उस समय पार्टी सभी जगह सत्ता में थी, ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं थी, लोनी में भी हमारा विधायक था जी। तो सभी जगह विकास हुआ और इन्हीं बहन जी के जो 4 साल के मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल में जो विकास हुए उन्हीं विकासों के मुद्दे को लेके हम दिल्ली में और पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे। और बाकी तो सब जनता को बताइए कि बहन जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर भी, शिक्षा भी, बेरोजगारी भी, बहन बेटियों को सम्मान भी। तो ये सब सम्मान तो क्या नाम है, मोदी सरकार भी दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। आज मोदी सरकार जो भी सम्मान दे रही है सब बहन जी की कॉपी करके दे रही है। ये सारी योजना बहन जी ने, बहन जी लेके आई थी, चाहे कोई भी एक्सप्रेस हो, बहन बेटियों का सम्मान हो, या गरीबों का विकास हो, या सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा मोदी सरकार कॉपी करती है सिर्फ। हाँ ये इसमें कोई बात ही नहीं, आप देखोगे तो कॉपी कर रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ऊपर जो आज ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये नारा पहले बीएसपी का था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मणों को, जाटों को, गुजरों को, बनियाओं को, सभी को टिकट दी थी और सभी को सरकार में जिसकी जितनी भागीदारी थी, मंत्री उतनी उसकी हिस्सेदारी थी, और सभी को दिया था। जो लोग ये कहते हैं कि ये एक समाज की पार्टी है, उस समाज को कम भागीदारी थी, जबकि ब्राह्मण जाट गुजरों को ज्यादा भागीदारी थी, मंत्रालय भी थे और एमएलसी भी बनाने का काम करा जो लोग चुनाव हार गए थे। अलीगढ़ की विधानसभा सीट से संजय शर्मा जी राजा भैया होते थे, वो चुनाव हार गए थे, बहन जी ने उन्हें एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाने के बाद राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था। उपेंद्र जी चलते चलते माननीय काशीराम जी का जन्मोत्सव भी आ रहा है, क्या बधाई क्या शुभकामना देंगे? मैं सभी दिल्ली वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय काशीराम जी का जन्मदिन दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में नोएडा में प्रेरणा स्थल पर मनाया जाएगा, सभी वहां भारी संख्या में पहुंचे। और मैं माननीय काशीराम जी के जन्मदिन पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हीं का जो मार्गदर्शन था बहुजन समाज को और सर्व समाज को जोड़ने का, उसी के नेतृत्व में आज भी बीएसपी काम कर रही है। और बहन जी, माननीय बहन जी भी बाबा साहब के और माननीय काशीराम जी के जो चलाया हुआ मूवमेंट था उसी को आगे बढ़ा रही है और उसी में उन्होंने सर्व समाज को जोड़ने का काम करा है। और दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों से मेरा अपना निवेदन है कि सभी लोग वहाँ नोएडा ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में पहुंचे और माननीय काशीराम जी के जन्मदिन पर एक देश में एक अलग तरीके का मैसेज जाना चाहिए कि हमारे मसीहा का हम जन्मदिन आज भी पहले की तरह ही धूमधाम से मनाते हैं। वही उपेंद्र जी, होली का भी महापर्व आ रहा है, क्या बधाई देशवासियों को? होली की मैं सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, लोकसभा के भी समस्त वासियों को और दिल्ली प्रदेश और पूरे भारत वासियों को, सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता देता हूँ, रामनवमी भी आ रही है और ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए भी सभी हमारे मुस्लिम भाई, सभी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और सभी को ईद की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। और बाकी और कोई सवाल है तो आप बताओ। ये थे हमारे बीच में उपेंद्र शर्मा जी, जो कि सचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर दिल्ली प्रदेश के अंदर। इनका साफ साफ कहना है कि सर्वजन हिताय की जो बात है कही थी वो और जो सार्थक भी हुई थी वो बहुजन समाज पार्टी की हुई थी, ने की थी। वही मोदी सरकार जो कॉपी कर रही है वो बीएसपी की कॉपी कर रही है, क्या सच क्या झूठ समय ही बताएगा। फिलहाल 2024 के महाकुंभ के अंदर हर कोई अपना गोता लगाने के लिए तैयार बैठा है, वोट अवश्य दें। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।